मिकी माउस जैसे मशहूर कार्टून बनाने वाली महान हस्ती वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था कि अगर सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। हमने भी एक सपना देखा था और आज वो सपना एलस्टोन के नाम से साकार हो गया। एलस्टोन हमेशा से ही समाज के लिए कुछ उम्दा प्रोडक्ट बनाना चाहता था और एलस्टोन ने अपनी ये ख्वाहिश पूरी भी कर ली है। एलस्टोन लेकर आया है नया WPC यानी वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट, जो सिर्फ हमारी मेहनत और सच्ची कल्पना का नतीजा है। फर्नीचर की दुनिया में एलस्टोन सिर्फ एक नाम ही नहीं बल्कि प्लाईवुड उद्योग में एक क्रांति है। घटते पेड़ों की संख्या को देखते हुए एलस्टोन धरती के लिए एक बहुत बड़ा उपाय बनकर सामने आया है। एलस्टोन के पास 3 प्रोडक्ट के स्तर है। पहला एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल, उसके बाद सिलिकॉन स्लेट और आखिर में एलस्टोन का जादुई उत्पाद WPC। भारत में एलस्टोन को वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट को सबसे ज्यादा बनाने का गर्व हासिल है। WPC एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, यानी कि पर्यावरण के अनुकूल है। यह प्रोडक्ट काफी हल्का भी है। चावल के भूसे या आटे की भूसी और थर्मोप्लास्टिक से बनता है WPC, और दोनों चीजें ही अपने अपने फायदे के साथ आती हैं। जैसे कि पहले ही कहा गया है कि WPC 100% इको फ्रेंडली है, और इसका मतलब यह है कि यह अगली पीढ़ी में भी कारगर रहेगा, क्योंकि इसमें लकड़ी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता है। WPC टिकाऊ और लचीला भी है, जिससे कि यह प्लाईवुड से बेहतर उत्पाद बना रहा है। सिर्फ ये ही नहीं, WPC दीमक और बोरर रोधक है। यह उत्पाद जल रोधक और अग्नि रोधक भी है। WPC से फर्नीचर तैयार करने के लिए किसी विशेष औजार की जरूरत नहीं है। इस टिकाऊ उत्पाद को इस्तेमाल करने के लिए उन्हीं औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको आप लकड़ी के फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। WPC के फर्नीचर हाथों से और मशीनों से दोनों तरीकों से तैयार किए जा सकते हैं। आइए आपको पहले साधारण तरीका समझाते हैं। WPC इतना टिकाऊ है कि आप इस पर कहीं भी कील ठोक सकते हैं, और आपकी जरूरत के हिसाब से आप इस पर अपने स्क्रू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काटना, आप WPC को आरी से काट सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे आप लकड़ी या प्लाईवुड को काटते हैं। रंधा, WPC को साफ करने के लिए आप रंधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों से लेमिनेट को पेस्ट करना, लकड़ी की तरह ही आप WPC पर भी हाथों से बड़ी आसानी से लेमिनेट को चिपका सकते हैं। विनियर पेस्ट करना, लकड़ी की तरह ही आप WPC पर भी हाथों से बड़ी आसानी से विनियर को चिपका सकते हैं। लकड़ी की तरह ही WPC पर भी आप अपने हाथों से एक एज बेंडिंग कर सकते हैं। ४५ डिग्री पर कोनों को जोड़ना, आप WPC में भी 45 डिग्री पर कोनों को जोड़ सकते हैं। सफाई, WPC की सफाई लकड़ी या प्लाईवुड के मुकाबले काफी आसान और सरल है।
बॉक्स यानी डब्बे तैयार करना। WPC से आप डब्बे भी तैयार कर सकते हैं। कब्जा लगाना। अगर आप WPC में कब्जे लगाना चाहते हैं तो यह काम लकड़ी के मुकाबले WPC में काफी आसान है। शीशा चिपकाना। WPC के ऊपर आप शीशा भी चिपका सकते हैं, यानी आप WPC पर एल्यूमिनियम कॉम्पोजिट पैनल भी चिपका सकते हैं। डेको पेंट करना। आप WPC पर PU पेंट या प्लास्टिक पेंट लगा सकते हैं। चमड़ा लगाना। टी प्रोफाइल बनाना। हैंड कटर से आसानी से काट पाना। मिनी फिक्स करना। एल पट्टी फिक्स करना। आप इसके एक छिद्र में 6 बार स्क्रू भी लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। किसी भी PVC बॉन्ड से आसानी से छिद्रों को भरा जा सकता है। सीमेंट के घोल से 2 WPC बोर्ड को जोड़कर WPC बोर्ड की मोटाई बढ़ा सकते हैं।
स्टिक कॉल की मदद से टाइलों को जोड़े। स्टिक कॉल बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाता है। हाथों से सेंडर की मदद से सेंडिंग कर सकते हैं। न सिर्फ हाथों से, अभी हम आपको बताएंगे कि आप WPC पर मशीन से क्या क्या कर सकते हैं। आप अभी बताई गई सारी चीजें WPC पर मशीन से भी कर सकते हैं। जैसे कि काटना, मल्टी बोरिंग करना, राउटिंग, मेम्ब्रेन, डिब्बे बनाना और पिलरों को ढकने के लिए आप WPC को 45 डिग्री के कोणों पर जोड़ सकते हैं। कोनों में गोलाई लाना, कोल्ड प्रोसेस करना, लेमिनेशन चढ़ाना, फोल्ड के जरिए एज बेंडिंग, आप आसानी से दीवारों पर पैनल बनवाने या फिर फर्श पर लगाने के लिए दो बोर्ड्स जोड़ सकते हैं। जैसे कि मशहूर हस्ती वॉरेन बुफे ने कहा था कि आज छांव में कोई इसलिए बैठा है क्योंकि कभी किसी ने कोई पेड़ लगाया था। एलस्टोन का भी यही मानना है, तभी इसने WPC नामक इस जादुई चीज को बनाया है। WPC यानी वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट। WPC आपकी हर जरूरत को पूरा करती है, भले ही वो आपके मॉड्यूलर किचन के दराज हो या फिर फसाद क्लैडिंग, दीवार पर आवरण चढ़ाना हो, सुंदर पार्टीशन पैनल, सुंदर सीलिंग, शेटरिंग, घर के फर्नीचर, पलंग, अलमारी, दरवाजे, जहाज व नौका उद्योग, गाड़ियों के उद्योग में काम आना, ऑफिस के फर्नीचर, बिल्डिंग शाफ्ट, सभी जरूरतों का एक ही उपाय है, वो है WPC यानी वुड पॉलीमर कॉम्पोजिट।